ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम सबको अपनी डाइट में यूज़ करनी चाहिए? जी हाँ, वो है घी। घी कौन सा यूज़ करूँ, काव का या बफेलो का, A1 या A2, या कौन सा ब्रांड यूज़ करूँ? अरे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। चलिए देखते हैं। हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। घी की बात आती है तो हम सबको पता है कि घी हमारी डाइट का एक इंटेग्रल पार्ट है और हम सबको खाना चाहिए। बट क्वेश्चन आता है कौन सा घी ले और घी कौन से मेथड से बना हुआ होना चाहिए। चलिए आज हम देखते हैं। जो घी है वो हमारी पूरी बॉडी को नरिश करता है, ये हम सब जानते हैं। उसके अंदर मिराकुलस प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ तक कि आयुर्वेदा कहता है कि इसे मेडिसिन की तरह भी यूज़ कीजिए। बट ये कौन सा घी है? ये है हमारी देसी काऊ घी। देसी गाय मतलब जो हमारे इंडिया की गाय हैं जिसके ऊपर हम्प है, जैसे गिर गाय है, साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, कांकरेज है, ये सारी गायें जो हैं इन सब के ऊपर हम्प है। और यही हमारी देश की गाय का जो घी है वो सबसे अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। बट मार्केट किससे फ्लडेड है? फ्लडेड है जो बाहर की गायें हैं, जो विदेशी गायें हैं, जर्सी गायें हैं, होलिस्टिन गायें हैं, उसके गाय का जो दूध है उससे जो निकला हुआ घी है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये जो हम्प वाली गाय हैं इसे बोलते हैं हम A2 घी, और जो ये बाहर की गाय हैं, जर्सी गाय हैं, इसे बोलते हैं A1 घी। सो आपको अब देखना है कि जब भी आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो आपको जो घी लेना है वो गाय का घी लेना है, और वो कौन सा घी होना चाहिए? A2 होना चाहिए, मतलब हमारी देसी गाय। क्योंकि आप देखिए जो जर्सी गाय हैं वो जंगली गाय हैं, सो उसका घी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी तरीके से कई लोग पूछते हैं भैंस का घी ले सकते हैं? देखिए भैंस का जो नेचर है वो सुस्त सुस्त वाला है और बड़ा भारी सा है, तो उसका घी खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा, लेजीनेस रहेगी, और ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें जो वेदों में लिखा हुआ है देसी घी, वो देसी घी ही यूज़ करना है। और इस देसी घी को निकालना कैसे है? वो है बिलोना मेथड, मतलब दही से बिलो कर इस घी को बनाया जाता है। मतलब दही को बिलोया जाएगा, फिर उससे मक्खन निकलेगा, मक्खन को थोड़ा सा क्ले पॉट्स में हल्की आंच पे पकाया जाएगा और उससे घी बनेगा। तो ये जो घी है वो बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए। अब आप कहेंगे मार्केट में कहाँ पे ये हमें घी मिलेगा? बिल्कुल अवेलेबल है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है टू ब्रदर्स का। देखिए टू ब्रदर्स का है, ये कल्चर्ड घी है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ये गिर गाय का घी है, A2 गिर गाय घी। तो गाय का भी ब्रीड भी मेंशन है, A2 भी मेंशन है, और निकालने की जो तरीका है वो भी मेंशन है कि चर्न किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें अगर हैं और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा है, अमेजिंग, तो ये सारी चीज़ें आपके घी के पैकेट के ऊपर लिखी होनी चाहिए। और उसका और अच्छा टेस्ट है कि जब आप खाएंगे तो आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं, और खाने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा, हैवीनेस नहीं महसूस होगी। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसको भी फीड कर सकते हैं, अगर उसको भी ये अच्छा लगता है तो 110% वो घी पास हो जाता है प्योरिटी में। उसके बाद अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करते हैं, मतलब रोटी के ऊपर लगा के खाते हैं, या फिर अपने चावल पे, या फिर किसी सब्जी पे, या आप कच्चा भी खाते हैं, और उसके बाद देखेंगे आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आपको बिल्कुल लेजीनेस महसूस नहीं होगी, लेथार्जिकनेस नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप रॉन्ग कॉम्बिनेशंस खाएंगे तो आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि आप लेथार्जिक नहीं होंगे, बट अगर राइट कॉम्बिनेशन खा रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं और घी इंक्लूड कर रहे हैं, सो मान के चलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द डे। रॉन्ग कॉम्बिनेशन मतलब रोटी के ऊपर घी लगाया और साथ में एक चाय का डब्बा पी लिया, तो वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, उसको अवॉइड करना है। उसके बाद देखेंगे तो आपको ये घी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपके लिए, थ्रू आउट द डे आप बहुत अच्छा फील करेंगे। सो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमें A2 घी परचेस करना है, उसके ऊपर काउ का ब्रीड भी लिखा होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, वो हमारे ग्लास कंटेनर में, मेरे पास ये जो है ग्लास कंटेनर में है, और साथ में बिलोना मेथड भी लिखा होगा उसके ऊपर।
सो ये सारी बातें अगर आपके घी में हैं तो वही घी आपको परचेज करना है, वही घी आपके लिए नेक्टर है, आपकी फैमिली के लिए नेक्टर है, और इसे कंज्यूम करने से आपको कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी और इनफैक्ट आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। ये एक सप्लीमेंट की तरह है, आप सप्लीमेंट्स के पीछे भागते हैं, ज़रूर ये महंगा है बट इसमें इन्वेस्ट करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। टू ब्रदर इज़ माई फेवरेट, क्योंकि ये सारे चेक्स जो हैं मैंने आपको बताया, मैं लाइट रहती हूँ, इससे फटीक नहीं फील होता, एक्टिव रहती हूँ और माई चाइल्ड रियली लाइक इट। सो आई बिलीव आप भी इसे टेस्ट कर सकते हैं, और भी मार्केट में A2 घी है, आप उनको भी कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। सो आप इस घी को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस घी को ही अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखिए। थैंक यू सो मच।